नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यात्रा द ट्रिप में। दोस्तों, आगे की यात्रा पर बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो नैना देवी के वीडियो को इतना प्यार दिया है उसके लिए। दोस्तों, एक बार मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। दोस्तों, आगे की यात्रा पे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एलोरा केव्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मौसम बहुत ही सुहाना है। इस सुहाने मौसम में यात्रा करने का अपना एक अलग ही आनंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही होगा कि एलोरा केव्स हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यह औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों, यहां पर लगभग 100 केव्स हैं, जिसमें कि 34 केव्स को ही दर्शकों के लिए खोला गया है और यह 34 केव्स भी 3 पार्ट में विभाजित हैं। केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 12 तक बुद्धिस्ट केव्स, केव नंबर 13 टू केव नंबर 29 हिंदू केव्स और केव नंबर 32-34 जैन केव्स के नाम से जानी जाती हैं। केव नंबर 16 का यहां पर अपना ही एक अलग महत्व है। यह विश्व की लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकवेशन है, जिसको कैलाश टेंपल के नाम से जाना जाता है और यह मोनूमेंट भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी दौलताबाद फोर्ट भी पड़ेगा, लेकिन हम समय के अभाव के कारण वहां नहीं जा पा रहे हैं। यहां से कुछ ही समय में हम लोग एलोरा केव्स पहुंच जाएंगे। यह एलोरा केव्स का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर अपनी हम गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ेंगे। प्रकृति की गोद में बसी एलोरा केव्स बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। साथ आए सभी लोग एलोरा केव्स को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति हो रही है। केव नंबर 16 का विशेष महत्व होने के कारण हमने भी यह निश्चय किया कि पहले हम भी इस केव नंबर 16 के ही दर्शन करेंगे। हमने इस एंट्रेंस गेट के माध्यम से केव नंबर 16 में प्रवेश किया। केव की बाहरी दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनको आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। दीवारों पर बनी हुई चित्रकारी को बार बार नवीनीकृत किया गया है। आखिरी समय इसको रानी अहिल्या देवी होलकर ने 18वीं सदी में किया था। अपनी अद्भुत शिल्पकारी एवं अद्वितीय बनावट के साथ अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए यह गुफाएं दुनिया भर में मशहूर हैं। एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर एवं सबसे बड़ी एकल अखंड रॉक खुदाई की वजह से विश्व भर में मशहूर हैं। सामने की ओर गणेश जी की प्रतिमा विद्यमान है। प्रवेश द्वार के माध्यम से जैसे ही हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सामने की ओर गज लक्ष्मी जी की प्रतिमा दिखाई देती है, जो कि नंदी मंडप के बिल्कुल नीचे स्थित है। कलाकृति में विद्यमान चार हाथी लक्ष्मी जी के ऊपर चारों दिशाओं की ओर से पानी की बौछार करते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक पिलर दिखाई देता है, जिसको ध्वज स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट लगभग 45 फुट है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें एक विशालकाय हाथी दिखाई देता है। उसके पीछे गुफाएं बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दीवारों पर अनेक देवी देवताओं की बहुत सुंदर प्रतिमाएं
बनी हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक विशालकाय हाथी दिखाई देता है। उसके पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर गुफाएं बनी हुई हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें फिर से एक पिलर दिखाई देता है। इसकी भी ऊंचाई लगभग 45 फीट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन गुफाओं की भव्यता को देख हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन सभी गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य हुआ है और इनका निर्माण राजपूत वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। इन बेहद आकर्षक एवं भव्य गुफाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी भव्यता को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मंदिर में 5 डिटैच्ड श्रीन्स हैं, जिसमें 3 गंगा, यमुना और सरस्वती जी की है। सभी लोग बहुत ही खुश हैं और इस खुशी के माहौल में डांस भी कर रहे हैं। मंदिर की बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इनको हाथी की पीठ पर बनाया गया हो। बहुत ही अद्भुत कारीगरी है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। हमने अपने कैमरे को जब भी जूम किया, जहां भी जूम किया, वहीं दीवारों पर अलग अलग तरह की प्रतिमाएं नजर आती हैं। यहाँ से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सामने की तरफ एक बड़ा सा गलियारा आता है जिसकी दीवारों पर भी अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसमें भोले बाबा और पार्वती जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर और भी अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। भगवान विष्णु जी की भी प्रतिमाएं यहाँ पे विद्यमान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि यह जगह भगवान शिव को ही ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर प्रतिमाएं भगवान शिव की और पार्वती जी की ही हैं। जितने ही ज्यादा ध्यान से हम इन गुफाओं को देखते हैं, उतने ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गलियारे से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर उपस्थित और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ देखा कि जगह जगह हाथियों की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि हाथियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि गुफा की हर जगह को अपने कैमरे में कैद किया जाए, ताकि यहाँ के हर दृश्य को हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि दीवारों के अंदर कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में क्या है, यह हमने जानने की कोशिश की। मन में जिज्ञासा हुई तो हम भी अपना कैमरा लेकर इनकी तरफ चल दिए। लेकिन जैसे जैसे हम इनकी तरफ बढ़े तो हमें वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया और हम वापस आ गए। क्योंकि हम सभी लोग काफ़ी देर से घूम रहे थे तो हमें कुछ थकान का एहसास हुआ और सभी लोगों ने सोचा कि कुछ देर क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। विश्राम करने के लिए हम लोग इन्हीं गुफाओं में बैठ गए। इन गुफाओं को संरक्षित करने के लिए जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये गुफाएँ इतनी बड़ी हैं कि अगर आप पूरा एक दिन भी लगाएं तो भी इनको एक्सप्लोर करने के लिए वह एक पूरा दिन भी कम रहेगा और आप बिल्कुल बोर भी नहीं होंगे। अंकल जी जो जल्दी से बुद्धिस्ट होने वाले हैं इसका यही गुफाओं में निवास करेंगे। जिन गुफाओं में निवास करेंगे तभी ये जो शरीर जो है थोड़ा बहुत कम होगा, गुफाओं में जो है ये तपस्या करेंगे, उपवास रखने के जो है इक्कीस साल का
शुरुआत जो है 21 सेकंड से करेंगे। शुरुआत भी बटर चिकन से है। मजाक करते हुए वक्त कैसे गुजर जाता है यह पता ही नहीं लगता। हमारे सभी साथी बहुत खुश हैं और इन पलों का आनंद ले रहे हैं। कैमरे पे एक देखा जाएगा अंकली का पेट कितना हिलता है। पेट अंदर खींच लिया गया है। हंसी मजाक के इस माहौल के साथ मेन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, केव नंबर 16 के बाहर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इन गुफाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि यह जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। आप भी इस जानकारी को पढ़कर यहाँ के बारे में और भी बहुत सारी बातें जान सकते हैं। अब हम सीढ़ियां चढ़ मेन मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हमें यहां अपने जूते चप्पल उतारने होंगे। अपने जूते चप्पल उतार कर हम मेन मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक दिव्य अनुभूति होने लगती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शिवलिंग के दर्शन कर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही भव्य और आकर्षक प्रतीत हो रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ भव्य कलाकृतियां बनी हुई हैं। मेन परिसर में प्रवेश करते ही हमें इस भव्य शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं जो हमें भोले बाबा के इस भव्य रूप के दर्शन हो पाए। भव्य शिवलिंग के दर्शन कर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ आना सफल रहा। मंदिर परिसर में मौजूद कुछ और छोटे मंदिरों का दर्शन कर आज के एलोरा केव्स के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एलोरा केव्स के सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हम आपको एलोरा केव्स की बची हुई और केव्स के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, यूं ही देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल यात्रा दस ट्रिप। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई चीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर अपने वीडियो को और भी बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए